व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आप लोग के लिए आज बहुत इजी हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजी टेक्निक से मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने सेंटर पार्टीशन करना है, देन हमने यहाँ से फ्रंट पे थोड़े से हेयर इस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से सेक्शन करना है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सेक्शन आना चाहिए, प्रॉपर पूरा बॉक्स हमें लगना चाहिए, ठीक है। आपने फिनिशिंग के साथ लाइन निकालनी है और इसको इस तरीके से पार्टीशन कर लेना है, ठीक है। आप लोग फ्रंट से देख सकते हैं, हमारा सेम इस तरीके से सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से टाइट आप करवा सकती हैं, और अगर आप चाहें तो लॉन्ग क्लिप भी रख सकती हैं, बट उससे भी लूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने हाथ ही रखवा दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से सेक्शन लेना है, फ्रंट से आपने इतना सेक्शन लेना है, उसको थ्री में डिवाइड करना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वाली लेयर को थर्ड वाली लेयर के साथ एडजस्ट करना है। इस तरीके से आप लेयर्स को एडजस्ट करती जाएंगी और आपकी ब्रेड बनती जाएगी। आपने फोकस रखना है मेरी फिंगर्स के एडजस्टमेंट पर, ठीक है। अब आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आप लोग फोकस करिएगा, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपने लेयर लेती जानी है और इस तरीके से इसको बनाते जाना है, ठीक है। ये देखिए आप, मैं लेयर्स पूरी अंदर तक ले रही हूँ, मैं हाफ डायरेक्टली उठा नहीं रही हूँ, मैं इतनी नहीं उठा रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको पूरा अंदर तक ले रही हूँ, ताकि हमारी लेयर प्रॉपर आए, ठीक है, लाइन भी हमारी इन्हेंस हो, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन बनाते जाना है। बहुत ईजी हेयर स्टाइल है, बहुत स्टाइलिश है, आप ये पार्टी लुक में, ब्राइडल शावर में, और आप बर्थडे पार्टी में भी बना सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है, फिनिशिंग के साथ देखें आप, बहुत इजी और क्विक हेयर स्टाइल है, जो कि आप इंशाल्लाह बनाएंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी वाली ब्रेड यहाँ पे डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना, हमने इसको इसी तरीके से इधर लाइट से हमने इसको यहाँ पे फिक्स करके, इसको अच्छे से पिंस की हेल्प से हमने इसको फिक्स कर देना है इस तरीके से। क्रॉस में आप पिंस लगाएंगी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारी क्रॉस में पिंस लगने से हमारी जो हेयर स्टाइल होता है वो अच्छे से फिक्स हो जाता है, हमारा हेयर स्टाइल लूज़ नहीं होता, ये आप देख सकती हैं, ठीक है। अब हमने फ्रंट पर आना है, आप फ्रंट से ये वन साइड का लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। अब हमने यहाँ पर भी सेम यही करना है, सेम आपने यहाँ पे भी सेक्शन करना है, इसी तरीके से आपने थ्री में डिवाइड करना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आप कोई भी टेक्निक मिस ना करें, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीखें। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए न्यू से न्यू हेयर स्टाइलिंग लेकर आती हूँ, ताकि आप हर हेयर स्टाइल बहुत ईजी तरीके से आप सीख सकें, और आप उसको ट्राई भी करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। आपने इस तरीके से लेयर्स लेते जाना है और आपने अपनी ब्रेड बनाती जानी है, बहुत ईजी हेयर स्टाइल है। और ये देख रहे हैं आप कि मेरी लेयर्स कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आ रही हैं, और मैं साथ साथ बालों को सुलझाती भी हूँ, ताकि हमारा हेयर स्टाइल मैसी ना हो और हमारा लुक बहुत ब्यूटीफुल सा बने, ठीक है। आपने इस तरीके से अपने हेयर्स को बनाना है, अपने हेयर स्टाइल को अपने फिनिशिंग के साथ डन करना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने कहीं से भी इसको लूज़ नहीं छोड़ा, मैंने ग्रिप्स भी बहुत अच्छी से रखी हुई हैं, ताकि हमारा हेयर स्टाइल बिल्कुल फिक्स बने। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत नीड है। देखिए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी हर चीज़ इजी वे में सीख सकें। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस में पिन अप कर देना है, ताकि हमारा हेयर स्टाइल जो है फिक्स हो जाए। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मैं पिन्स को बहुत अच्छे से फिक्स करती हूँ, ताकि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो लूज़ नहीं हो, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमारा जो ब्रेड होती है वो लूज़ हो जाती है, हमारा हेयर स्टाइल जो होता है वो लूज़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम पिंस को अच्छे से फिक्स नहीं करते हैं। तो अब हमारा हेयर स्टाइल यहाँ से डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। मेरे पास ये बड़ी प्यारी सी बिंदिया थी, जिसको मैं एडजस्ट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर बिंदिया को लगाएंगे तो हमारा लुक और भी अच्छा हो जाएगा जो हेयर स्टाइल का। आप इसको माइयों लुक में भी बना सकते हैं। मेरा आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा व्यूअर्स, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नियमित के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।